नमस्कार साथियों, आज का संदेश एक बहुत ही खास शख्सियत के बारे में है, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी। और इसीलिए आज अपनी बात में एक शेर के माध्यम से शुरू करना चाहती हूँ जो उन्हीं को समर्पित है। कलम न हो तो लहू तर्जुमा नहीं होता, इस दौर में आंसू जुबा नहीं होता, और जहां जाएगा वहीं रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। ये कहना तो बिल्कुल भी अतिशोक्ति नहीं होगी कि श्रीनिवास जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय युवा कांग्रेस ने नई ऊंचाइयों और नई बुलंदियों को छुआ है। पर खास तौर से मैं बात करना चाहती हूँ कोरोना के विपत्ति काल की, जब लोगों के जीवन को भय, भुखमरी, बेरोजगारी और पलायन के अंधकार ने अस्त व्यस्त कर दिया था। ऐसे समय में न सिर्फ 24 घंटे देश के हर कोने में लोगों को खाना बांटने का काम युवा कांग्रेस ने किया, न सिर्फ लोगों तक सैनिटाइजर और मास्क मुहैया कराने या पहुंचाने का काम किया, बल्कि भारतवासियों को जीने की एक नई उम्मीद देने का काम युवा कांग्रेस ने किया, आशा का एक नया संचार करने का काम युवा कांग्रेस ने किया। और ये सब इसी कारण से मुमकिन हो पाया है श्रीनिवास जी, कि जनता के हित में काम करने की आपके अंदर एक बहुत तीव्र निष्ठा है, एक बहुत प्रबल प्रतिबद्धता है। सारा जो आपका एक साल का कार्यकाल रहा है वो काबिले तारीफ है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये कहा जाता है कि अंधेरा जितना घना हो दीपक की प्रासंगिकता उतनी ही बढ़ जाती है, और इस अंधकार के समय में एक बहुत ही चमचमाते हुए दीपक के रूप में आप उजागर हुए हैं। मैं प्रभु से यही कामना करती हूँ कि आपको और हिम्मत दें और ताकत दें, ताकि युवा कांग्रेस इसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ आगे भी काम करती रहे। आपके साहस को, आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। जय हिंद।